आज का हमारा विषय है परमेश्वर पाप से नफरत करता है परंतु पापियों से प्रेम करता है। पाप से नफरत करता है परंतु पापियों से प्रेम करता है। इस संसार में ऐसा होता है, लोग पापी लोगों से, बुरे लोगों से, गलत लोगों से नफरत करते हैं, पर परमेश्वर उनसे प्यार करता है। पर पाप से परमेश्वर क्या करता है? नफरत करता है। हालेलुया। अगर अपनी गवाहियों को देखे, अपने जीवनों को देखे, तो हम पाते हैं कि हम भी एक दिन बुरे थे, हम भी एक दिन पापी थे, हम भी एक दिन बुरे रास्ते पर चल रहे थे, अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह के। तो परमेश्वर किससे प्यार करता है? प्रत्येक व्यक्ति जो पाप में पड़ा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को बचाने आया हूं। हालेलुया। भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं होती। कौन व्यक्ति है जो भला चंगा है और डॉक्टर के पास जाए? जरूरत ही नहीं है उसको। तो भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, केवल बीमार लोग ही वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, अपना टेस्ट कराने के लिए, अपनी बीमारी को जानने के लिए लोग जाते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर क्या परेशानी हो रही है। हालेलुया। जिससे संसार नफरत करता है, जिससे संसार बैर करता है, जिससे संसार जिसको दूर करता है, उसको प्रभु यीशु मसीह गले लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो पापियों को धर्मी बनाने के लिए आया है। क्या करने आया है? पापियों को धर्मी बनाने आया है। क्या मतलब? इस संसार में जो लोग पापी हैं, पाप में जी रहे हैं, प्रभु चाहता है कि वो धर्मी बन जाएं। एक समय की बात है, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं सोचता था मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन जिस समय मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना समझा तो मुझे समझ में आया कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हालेलुया। पौलुस प्रेरित भी अपने आप को सच्चा भक्त और बहुत ही धर्मी मनुष्य समझता था, क्योंकि वो परमेश्वर के कामों के लिए बड़ी लगन और बड़ी जलन रखता था। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह के। आप देख रहे हैं, पर जब वो प्रभु को जाना, जब प्रभु से उसकी मुलाकात हुई, तो कहने लगा पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अपनी आंखों से गलत नहीं देख पाते। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पापों को पूरी रीति से जान ले? नहीं जानता है। लेकिन जिस समय परमेश्वर के सामने आ जाता है, जिस समय परमेश्वर के सम्मुख वो अपने आप को प्रस्तुत करता है, जिस समय परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो जाता है, उस दिन कहने लगता है कि मैं पापी हूं। उस दिन जान जाता है कि मैं कौन हूं। आइए लुका रचित सुसमाचार में देखते हैं। लुका रचित सुसमाचार कितनी अच्छी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। उसका पांचवा अध्याय, और उसका आठवां पद। हालेलुया। अभी पतरस बड़े शान से मछली पकड़ रहा है, पूरी रात मेहनत की, उसको कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे दूसरे दिन मछली पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं मिला है कल मिल जाएगा। ये सोचकर अपनी जालों को वो बना रहा है, उसको संभाल रहा है, ठीक कर रहा है, और यीशु मसीह उसी समय उसके नाव में आते हैं और कहते हैं थोड़ा गहरे में ले चल, प्रचार करते हैं और कहते हैं पतरस जल डाल। कहता है प्रभु
मैंने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, फिर भी तू कहता है कि मैं जाल डालता हूं। जब बहुत सारी मछली घेर लाए, पकड़ लिए, तो पतरस को समझ में आ गया कि यार मैं बहुत पापी मनुष्य हूं। यीशु से कहने लगा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। नहीं, हम तो सोच रहे थे कि सुपरस्टार है, हम तो अपने क्षेत्र में बड़ा महारथी है, लेकिन आज एक महारथी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, जिसको देखकर समझ आया कि हम तो कुछ भी नहीं है, जिसको देखकर समझ आया कि हमारा ज्ञान लिमिटेड है, जिसको देखकर समझ में आया कि मैं अधूरा हूं, जिसको देखकर समझ में आया कि यही पवित्र है, मैं तो पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। हर कोई अपने नजर में धर्मी है, पर जिस दिन खुदावन उसके हाथ में या खुदावन के सामने आ जाता है, उस दिन उसको समझ में आ जाता है कि वास्तविक में वो कौन है, वास्तविक में वो क्या कर रहा है, वास्तविक में उसका जीवन क्या है। जब तक मनुष्य धुंधले शीशे में अपने आप को देखते रहता है, तब तक उसको समझ ही नहीं आता है कि उसके चेहरे पर दाग है, उसके वस्त्रों पर दाग लगे है, लेकिन जिस दिन वो साफ दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है, उस दिन सब कुछ नजर आने लगता है। कहां पर दाग है, कहां पर चाइयां है, कहां पर चुलियां है, कहां पर कपड़े खराब दिख रहा है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के सामने कोई खड़ा हो जाता है, तो वो एक ऐसा दर्पण है, उसका वचन एक ऐसा दर्पण है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। आप अपने आप को जानना चाहते हैं, आप आपको समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जानें कि आप कौन है, तो बाइबल के सामने, वचनों के सामने अपने आप को पेश कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालेलुया। आज की हमारी जो कहानी है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय। इसको आपने बार बार पढ़ा है और समझते भी है, लेकिन इसी में से मैं आपको 9 बातें आज बताने जा रहा हूं। नंबर 1, पापी परमेश्वर की योजना में है। पापी परमेश्वर की योजना में है। बाइबल में लिखा है पाप बढ़ता चला गया। जैसे पाप बढ़ता चला गया, परमेश्वर ने देखा मनुष्य पाप में घिरा हुआ है, निकल नहीं रहा है, कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा है, पाप के दलदल में घुसते चला जा रहा है, शैतान उनको दबोचते चला जा रहा है, बुराई बढ़ते चली जा रही है। परमेश्वर ने योजना बनाया कि मैं अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजकर उनको पापों से छुड़ाकर दलदल के किस से निकालकर अपने राज्य का वारिस बना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पापी परमेश्वर की योजना में है। इस संसार में बहुत सारे लोग आए दुश्मनों का नाश करने, पापियों का नाश करने, लेकिन यीशु केवल आया पापियों का उद्धार। हालेलुया। समझ में आया, पापियों का उद्धार करने प्रभु यीशु मसीह है, और उनमें से हम सबसे बड़े पापी थे, क्योंकि हम अपनी गलतियों को जानते हैं, दूसरे लोग अपनी गलतियों को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर सबकी गलतियों को जानता है। हालेलुया। उससे कोई बातें छुपी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की एक गीत गाएंगे। हालेलुया। भजन संहिता 139 खोलेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 139।
और दो पद पढ़ेंगे, तीन जान, एक से तीन। हालेलुया, ये हुआ तूने मुझे जांच कर जान लिया है, कोई बातें उससे छुपी नहीं। हालेलुया, आपकी कोई भी बात चाहे वो लोग जानते हो या ना जानते हो, आप गुप्त में काम किए हो, सीक्रेट में काम किए हो, अंधेरे में काम किए हो, अच्छा काम किए हो, बुरा काम किए हो, उससे कोई बात छिपी। मनुष्य तो वाइट कारण लगा सकता है, मनुष्य तो अपने आप को अच्छे से चला सकता है, लेकिन वो सब जानता है कि हम कौन हैं और कैसे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत गाएंगे, इसे मेरे साथ मिलकर गाएंगे। बजाने वाला भाई किधर गोल हो जाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है मेरे यीशु, सब कुछ तू जानता है मेरे प्रभु, सब कुछ तू जानता है, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है मेरे यीशु, सब कुछ तू जानता है मेरे प्रभु, सब कुछ तू जानता है, जानता है मेरे पूरे चाल चलने का भेद प्रभु तू जानता है, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है, कोई बातें तुमसे नहीं छिपी है यीशु, कोई बातें तुमसे नहीं ओझल है मेरे प्रभु, सब कुछ तू जानता है मेरे प्रभु, सब कुछ तू जानता है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कोई बात छुपी है क्या उससे? नहीं। हालेलुया, मनुष्य से हमारी बातें छुपी हो पर परमेश्वर से हमारी बातें छुपी नहीं है। पापी परमेश्वर की योजना में है। एक बार यीशु मसीह क्या हुआ, एक जगह से निकलकर, यहूदिया से निकलकर उसको गलील को जाना था। कहां जाना था? कहां जाना था? यहूदिया से निकलकर उसको गलील को जाना था, और बाइबल में लिखा है कि उसको सामरिया से होकर जाना जरूरी था। कहां से होकर जाना बहुत जरूरी था? बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे और समझेंगे, सामरी लोग जो है अलग किए हुए लोग से, सामरी लोग तिरस्कृत लोग थे, समाज से बाहर निकाले हुए लोग थे। हालेलुया, हुआ यह था कि यहूदियों के बीच में
अन्य जाति के लोग रहने लगे थे और धीरे धीरे उनके बेटे और बेटियों में शादी विवाह होना प्रारंभ हो गया था। मतलब परमेश्वर ने यहूदियों को बोला था कि तुमको अपने ही भाई बहनों में शादी करना है, क्योंकि अन्य जाति के लोग परमेश्वर के लोग नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने मना किया था। पर जब वो आपस में रहने लगे, एक ही समाज में रहने लगे, तो धीरे धीरे उनको लगा कि कोई बात नहीं, उनकी बेटी अच्छी लग रही है, उनकी शादी कर ले रहे, उनका बेटा अच्छा लग रहा है, शादी कर लिए। ऐसे करके मिक्स समाज का जन्म हो गया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई परमेश्वर को माने तो कोई कुछ माने। बाद में परमेश्वर ने ही अपने एक जन के द्वारा उन जो मिक्स लोग थे उनको अलग किया। क्या किया? अलग किया, और उन जाति का नाम सामरी पड़ा, क्योंकि वो सामरिया के जगह में रहने लगे थे। हालेलुया, वो सामरी कहलाते थे। इनसे यहूदियों का कोई वास्ता नहीं होता था, न खाने पीने से कोई वास्ता था, ना तो उनके घर जाने से कोई वास्ता था, ना उनके शहर से जाने में कोई वास्ता था। मतलब यहूदी लोग इतने कट्टर थे, इतने पक्के थे कि वो उनके रास्ते से, उनके शहर से होकर आगे नहीं जाते थे। मतलब यहां से पतरा तक जाना है और पता है कि ये पतरा वाला रास्ता है और ये तिकड़ी वाला रास्ता है, यहाँ सामरी लोग रहते हैं, तो वो घूम कर जाएगा। ऐसे घूम के वहां वो सैनिक फार्म से होकर बाहर निकलेगा। इस प्रकार से यहूदी लोग काम करते थे, सामरियों से उनका कोई लेना देना नहीं था। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। चार पद पढ़ेंगे, कोई चार पद पढ़ने मदद करेंगे, यूहन्ना 4:4, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया, आप सोच रहे हो यीशु मसीह भी यहूदी थे, अब सामरिया से जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि यहूदी लोगों का कोई वास्ता नहीं था। हालेलुया, कोई रिश्ता नहीं था, पर यीशु को जाना जरूरी था। परमेश्वर की योजना में पापी लोग हैं। हालेलुया, मेरे पास यीशु को आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझ पापी को बचाने के लिए प्रभु की योजना थी। हालेलुया, आपके पास यीशु को आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके जीवन को बचाने की योजना प्रभु के पास थी। जैसे आपके जैसे पापियों को, हमारे जैसे पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद आप तक पहुंच गए। हालेलुया, बाइबल में लिखा है आपने उसे नहीं चुना है, उसने आपको चुना है। हालेलुया, बहुत लोग बड़े भ्रम में पड़े हैं, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, हमने यीशु को मान लिया। सुन लीजिए, ऐसे सोचने वाले दुनिया में बहुत होंगे। यीशु ने आपको अपना मान लिया है, तब आप यीशु के साथ चल रहे हो, वरना असंभव। हालेलुया, बाइबल बहुत क्लियर है, तुमने मुझे नहीं चुना है। यीशु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको क्या किया है? हालेलुया, पापी उसकी योजना में है, इसलिए सामरिया से जाना बहुत जरूरी था। आज यीशु मसीह किसे प्यार करता है? शायद लोग दुनिया के ना समझे, वो बोलेंगे मैं ऊंची जाति का हूँ, वो बोलेगा मैं फलाने जाति का हूँ, वो बोलेगा मैं ऐसे जाति का हूँ, वो बोलेगा मैं ऐसे, इसके समाज में बैठना मेरा नहीं जरूरी है, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, वहां नहीं बैठूंगा। यीशु मसीह कह रहा है मैं इन्हीं के लिए आया हूँ, जिनको लोग नहीं पूछते हैं, जिनको लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिनके लोग समाज से बाहर निकालते हैं, जिनको लोग तिरस्कृत करते हैं, कहते हैं मैं उसी को चुनूंगा और उठाकर एक सामर्थी जाति बनाऊंगा। लोग कहेंगे वाह, इनका परमेश्वर जीवित सच्चा परमेश्वर है, जिसको लोग तुच्छ जानते थे, जिसको लोग निकाल दिए थे, उसी को परमेश्वर प्रधानों के पास खड़ा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, वह घूरे से निकालकर चट्टान पर बैठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह की।
आप समझ रहे हैं किसके लिए आया प्रभु? तो जो टूटे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जो हारे हुए हैं, प्रभु उनको चुनता है वहां से, उनको निकालता है वहां से, उनको ऊंचाइयों पर खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, एक समय कहते हैं झारखंड में बहुत गरीबी थी, आदिवासी लोग रहते हैं वहां, लोगों को खाने खाने के लिए मोहताज होना पड़ता था शुरू में, पर वहां पर प्रभु के लोग पहुंचे, प्रचार किया, उनके बच्चों को एजुकेट किया। आज सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर प्रभु के लोग हैं वहां पर, झारखंड की बात करें। हालेलुया, जिधर यीशु जाता है ना, दबे कुचले, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई क्यों ना हो, परमेश्वर उठाकर उसको ऊंचाई पर रख देता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों की दया है। हालेलुया, और यीशु मसीह के नहीं, सबके लिए आया है यीशु मसीह, पर सब में से वो लोग जो परेशान है, आप समझ रहे कि नहीं, यहूदियों के लिए भी आया, पर यहूदियों के उन लोगों के लिए जो परेशान थे, जो दबे थे, जो कुचले थे, जो सताए हुए थे, जो अपने आप को कहते थे हम धर्मी हैं, उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं थी, जो कह रहे थे हम इतना उपवास करते हैं, ये करते हैं, दान करते हैं, उनको जरूरत नहीं थी, जो बेचारे जिनके पास कुछ नहीं था, छूछे हाथ रहते थे, जिनके हाथ खाली रहते थे, जो बीमार पड़े रहते थे, उन लोगों के लिए प्रभु आ गया और उनको वहां से उठाकर एक ऊंचाई पर खड़ा कर दिया, और लोग कहने पर मजबूर हो गए, ये वो लोग हैं जो दुनिया को, ओ हालेलुया, क्या कर दे रहे हैं, उथल पुथल मचा दिया है, ये वो लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के, बोलिए मैं और मेरे लोग परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर की योजना में है। सांगरी लोग दबे लोग थे, तिरस्कृत लोग थे, समाज से निकाले हुए लोग थे, यीशु ने कहा इनको बचाना जरूरी है। यीशु खुद वहां पहुंच गया, यीशु वहां पर खुद, जो दबे है तो तिरस्कृत है, प्रभु यीशु वहां पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। आपको पता है कोढ़ी लोग कहां मिलते थे बाइबल में? कोढ़ी लोग कहां मिलते थे? शहर के, कहां मिलते थे? उनको शहर से बाहर कर दिया जाता था, उनको अपने समाज में नहीं रहने दिया जाता था, क्योंकि कोढ़ एक समय ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, आज तो फिर भी है, पर उस समय कुछ भी नहीं था। उनको शहर से बाहर रखा जाता था, प्रभु यीशु मसीह शहर के बाहर से जा रहे थे, तभी तो कोढ़ी मिले। हालेलुया, तभी तो कोढ़ी मिले, प्रभु तू चाहे तो शुद्ध कर सकता है, कहां मिले? शहर के बाहर मिले। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको जानता हूं क्या बताना चाहता हूं, जो यीशु तक नहीं पहुंच सकता है, यीशु उन तक पहुंचने के लिए हिम्मत वो रहता है, वो खुद उन तक पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब तो मेरा सहायक कोई नहीं है, अब तो मेरा देखने वाला कोई नहीं है, अब तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, शायद आप कह सकते हैं, अब तो मुझे निकाल कोई नहीं सकता है, पर परमेश्वर आपके लिए बचाने के लिए सब कुछ सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। नंबर एक, पापी परमेश्वर की योजना में है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को सावरिया से होकर जाना बहुत जरूरी था। नंबर दो, कुछ मुख्य बातें जो हम चार अध्याय में पढ़ते हैं, बड़ा सिस्टमैटिक पर पता नहीं कैसे, पर योजनाबद्ध हम पाते हैं। सामरी स्त्री यीशु मसीह से बात करती है, सामरी स्त्री यीशु से बात करती है, और नौ पद में आते आते कहती है तू तो यहूदी है, हमसे क्यों व्यवहार कर रहा है, हमसे बातचीत क्यों कर रहा है, क्योंकि यहूदी लोग उनसे कोई वार्तालाप नहीं रखते थे। ध्यान से सुनिए, नौ पद में स्त्री को समझ में आया, पढ़ देंगे चार का नौ, वो सामने स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझसे पानी
आता है कि यीशु मसीह कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अभी तो और बाकी है, हालेलुया। अभी तो तू केवल यहूदी समझ रही है। चलिए 9:9 को ध्यान में रखिएगा। अब सीधे 19 पद में जंप करेंगे, क्योंकि 9 पद के बाद सीधे 19 पद आता है। अब 19 पद में भी एक चमत्कार होता है, पढ़िए। स्त्री ने अब उसकी आंखें खोली और कहने लगे, प्रभु अब मुझे ऐसा लग रहा है। यहूदी तो मैं समझ गई थी, अब तू कोई भविष्यवक्ता लग रहा है। हालेलुया। अब ये 9 पद भी छोड़िए, 9 को और स्किप करके 29 पर जाइए, फिर देखिए और कुछ चमत्कार होता है। नहीं है, यही तो मसीहा नहीं है। पहले वो समझी कि वो यहूदी है, फिर वो समझी कि एक भविष्यवक्ता है, फिर वो जान पाई कि कहीं ये तो उद्धार करता नहीं है। हमारे जीवन में स्टेप बाय स्टेप हम परमेश्वर को जानने पाते हैं कि वो कौन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। एक दिन में मेरे प्रिय, अगर सब कुछ जान जाते तो बात ही कुछ होती। धीरे धीरे हम प्रभु को जानते हैं, समझते हैं। स्त्री ने जैसे उसके साथ वार्तालाप किया, जैसे उसके साथ समय स्पेंड किया, वो जानी कि वो यहूदी ही नहीं, वो भविष्यवक्ता भी है। वो भविष्यवक्ता ही नहीं, ये तो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। कई बार जब हम पहली बार यीशु में आते हैं, हम कहते हैं वो तो चंगा करने वाला है, फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद कहते हैं अरे वो तो हमारे कर्जे को दूर करने वाला है, फिर बाद में हम समझते हैं वो तो हमारा उद्धार करने वाला है, वो बाद में समझते हैं हमारा ही नहीं, पूरे जगत का उद्धार करने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम समझ जाते हैं कि वो परमेश्वर कौन है। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। क्या आपने ऐसा समझ लिया है? अगर समझ लिया है तो जोरदार ताली बजाएंगे, अगर नहीं समझा है तो प्रार्थना करेंगे। कैसे स्त्री जान पाई कि यीशु मसीह उद्धार करता है? उसके साथ संगति करके, उसके साथ क्या करके। अगर वो यीशु मसीह कहता पानी दो और वो शर्मा के भाग जाती, तो क्या वो जानती कि वो भविष्यवक्ता भी है? क्या वो जानती कि वो उद्धार करता भी है? बिल्कुल नहीं जानती। तो उसने क्या किया, उसने उससे बात करती रही, बात करती रही, बात करती रही, बात करती रही। आप चाहे कितने बुरे क्यों ना हो, चाहे आप दुष्ट निकम्मे पापी कैसे क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर से निरंतर वार्तालाप करोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा और निश्चय बदल जाएगा, सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। नहीं, ये पड़ोसी ना ज्यादा धर्मी है, वो तो मेरे से अच्छा गाना गाता है, वो तो ज्यादा अच्छा ताली बजा लेता है, वो तो सुंदर दिखता है, मैं ना नहीं बन पाऊंगा। नहीं नहीं, आप उसके साथ जुड़ जाओ, चिपक जाओ, वो आपके जीवन को बदल देगा। लोहे को चुंबक में चिपका के रखो, बहुत समय के बाद आप चुंबक के गुण को लोहे में पाओगे। आप चिपक जाओ, परमेश्वर के गुण आपके अंदर चिपक जाएंगे। हालेलुया। अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया भाई, हम तो केवल चिपके रहे, केवल हम उससे लिपट गए और उसके गुण अपने आप हमारे अंदर ट्रांसफर होते चले गए। हमारे देखने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे जीने का तरीका, हमारा उठना बैठना सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर अपने आप आकर काम करने लगते हैं। हालेलुया। नंबर 3, लालच पर जानने की इच्छा। लालच पर जानने की इच्छा। बहुत सारे लोग लालच के कारण प्रभु के पास आते हैं, पर कहीं ना कहीं जिसके अंदर जानने की इच्छा है, खोजने की इच्छा है कि परमेश्वर कौन है, सही कौन है, उसको जरूर परमेश्वर मिलता है। हालेलुया। सामरी स्त्री सोचने लगी, अरे मैं तो रोज पानी यहां पर
भरने आती हूं। और यह पुरुष कह रहा है कि तू जो जिस पुरुष से बात कर रही हो तुम जागती नहीं हो, अगर वो से मांगती तो वो तुमको जीवन का जल देता। हालेलुया, लालच है मुझे वो पानी चाहिए। हालेलुया, आजकल कॉलोनिया जो बड़ी बेल सेटल कॉलोनिया है वहां पर सारे चीज सुविधाएं हैं। बड़ी कॉलोनियों में जब आप बिल्डिंग घर खरीदते हैं वो महंगे पड़ते हैं। उसका कारण क्या है? बिजली का सही सप्लाई है। उसका कारण क्या है? पानी का सही सप्लाई है। उसका कारण क्या है? रोड सही है। उसका कारण क्या है? लोकेशन सही है। उसका कारण क्या है? सोसाइटी सही है। तो आप दूसरे जगह की अपेक्षा वहां का जब आप खरीदेंगे तो महंगा पड़ता है। हालेलुया। एक दिन मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि दिल्ली में कुछ पोच इलाके हैं जो बहुत रियायती इलाके महंगे इलाके हैं, ग्रीन पार्क, ग्रेटर कैलाश और बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर 8 करोड़ से लेकर 75 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हालेलुया, क्या है उसी उतने ही आप प्रॉपर्टी गांव में जाके खरीदिए फिर आप पूरा गांव खरीद लेंगे। सही है कि नहीं? पर जहां का सोसाइटी जैसा है, सुविधाओं को देखते हुए उसकी कीमत है कि नहीं? है कि नहीं? स्त्री सोच रही है काश ऐसा कुछ मिराकल हो जाता, मेरे घर में ही कुछ पानी का सब पाइप लग जाता, ऐसा कुछ कुआं निकल जाता, फव्वारा निकल जाता, अपने घर में ही पानी में भर लेती। ये दोपहर में आती हूँ और डर डर के आती हूँ। और दोपहर में आती क्यों थी? क्योंकि वो पापिनी स्त्री थी और लोग नहीं चाहते थे कि उनके साथ वो पानी भरने जाए। तो सुबह में लोग पानी भरने जाते थे, शाम को लोग पानी भरने जाते थे, दोपहर में नहीं जाते थे। तो दोपहर में इसका टाइम होता था। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? सोचने लगी काश ये कुछ कर दे ये मिराकल। लालच ही सही पर उसको जानने की जिज्ञासा थी। इसको सच्चा यीशु मिल गया, सच्चा परमेश्वर मिल गया है। आपके जीवन में जानने की जिज्ञासा है। आप चाहे बीमारी लेकर लालच चंगाई के लिए आए हो, चाहे आप अपने पैसे के ब्लेसिंग के लिए आए हो, चाहे आप किसी और कारण से कलीसिया में आए हो, लालच के कारण आए हैं लेकिन जानना चाहते हैं परमेश्वर को, तो वो आपके जीवन को जरूर बदल देगा। वो जरूर बदल देगा। हालेलुया। मैं यीशु को जानने के लिए तो नहीं गया था, मुझे उनके गाने बड़े अच्छे लगते थे, मैं सुनने गया था क्योंकि वो ढोलक ले लेते थे और वो एक मंजीरा ले लेते थे, एक हारमोनियम ले लेते थे, फिर गाना गाते थे। तो मुझे गाने का बड़ा शौकीन था मैं, तो मैं उनके बीच में इसलिए जाता था कि गाने में बड़ा दम है भाई। हालेलुया, सुकून सा मिलता है और जिंदगी मेरी गाने सुनते सुनते बदल गई। आमीन। मेरा लालच नहीं था कि उद्धार करता को जानू, मेरा ये लालच नहीं था कि मैं यीशु को जानू, मेरा लालच ये था कि गाने बड़े मजेदार है, सुन लेते हैं, सुकून मिलता है। प्रभु ने कहा खोज रहा है ना, मैं तुझे मिलूंगा। स्त्री पानी खोज रही थी, परमेश्वर मिल गया, जीवन जल का सोता उसको मिल गया। हालेलुया। मुझे नहीं पता है आप किस लालच से प्रभु के पास आए थे, पर प्रभु यीशु मसीह आपको मिल गया है। आमीन। नंबर 4, परमेश्वर की मुलाकात या मुठभेड़ जीवन को बदल देती है। परमेश्वर से आपका मुलाकात निश्चय आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। स्त्री को प्रभु यीशु मसीह मिले और इसका जीवन पूरी रीति से क्या हो गया? बदल गया। पौलुस जब दमिश्क के मार्ग पे जा रहा था, वहां पर यीशु के दर्शन हुए और उस पौलुस का जीवन पूरी रीति से क्या हो गया? बदल गया। अब्राहम को परमेश्वर का दर्शन हुआ और अब्राहम का जीवन पूरी रीति से बदल गया। बीमारों को यीशु ने छुआ और बीमारों का जीवन बदल गया।
आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया है, आपको छू लिया है, आपने यीशु को छुआ है, चाहे यीशु ने आपको छुआ है, आपका जीवन निश्चित बदल जाएगा। कहते हैं आप चाहे छुरी छुरी पे खरबूजा गिरे या खरबूजे पर छुरी गिरे, कटना तो दोनों हाल में है, चाहे आप यीशु को छू ले चाहे यीशु आपको छू ले, बदलना तो दोनों हाल में ही है। कई लोग अकेलेपन में हैं, कई लोग अकेलेपन में हैं, भीड़ में चलते हैं पर तन्हाई में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं पर अकेले खोए रहते हैं। पर प्रभु उस भीड़ से, क्योंकि ये स्त्री पूरी सामरिया में रहती थी, सामरियों के बीच में रहती थी, पर ये अकेले थी, अकेले पानी भरने जाती थी, अकेले अपने कामों को करती थी, चाहे गंदे ही काम थे इसके क्यों ना अकेले में किया करती थी, लेकिन परमेश्वर इसके अकेलेपन को जानता है। पाप करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं परमेश्वर की खोज करता है, कहता है बहुत हो गया, बहुत गलती कर लिया, बहुत दुष्टता कर दिया, बहुत घिनौने काम कर लिया, अब सहा नहीं जाता है, अब चला नहीं जाता है, इससे मुझे मुक्ति चाहिए, इससे मुझे छुटकारा चाहिए। आपके अंतरात्मा की पुकार, आपकी लोनलीनेस की पुकार, आपके अकेलेपन की पुकार परमेश्वर को आप तक खींच कर ले आता है। हालेलुया। प्रभु बहुत हो गया, 38 साल से मैं बीमार पड़ के बेसदा के कुंड में पड़ा हूं, वहां पर पड़ा हूं कुंड के पास में, अब बहुत हो गया, बहुत अकेला पाता हूं, बहुत तनाव पाता हूं। प्रभु प्रभु ने कहा मैं किसी के लिए नहीं आऊंगा, मैं तेरे लिए आ जाऊंगा। अकेलेपन में रहते हैं, तनाई में रहते हैं, टूट चुके हैं, अपनों ने साथ छोड़ दिया है, जिस पर भरोसा करते थे वो साथ छोड़ दिया है, प्रभु साथ नहीं छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़े आंधी आने से, बड़ी तूफान आने से, यीशु मेरा साथ छोड़ने वाला, दिया भी उसी आंधी तूफान में आपके जलते रहेंगे, दिया जलता रहेगा, कुछ भी नहीं देगा आपके दीपक को कभी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर से अगर किसी की मुलाकात हो जाती है, जरूर उसका जीवन बदल जाता है, जरूर बदल जाता है। पांचवा नंबर, अलग अलग लोगों के जीवन में परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम करता है। क्या करता है? अलग अलग लोगों के जीवन में परमेश्वर अलग अलग तरीके से क्या करता है? काम करता है। शायद किसी के जीवन में अगर वो बीमार है तो चंगाई देकर करता है, तो किसी के जीवन में वो कर्जे में डूबा है तो कर्जे से निकाल के करता है, किसी के जीवन में वो पाप में डूबा है तो पाप से निकाल के करता है, किसी के जीवन में वो परमेश्वर की खोज में है तो उसको उस प्रकार से मिल जाता है। हर एक के जीवन में परमेश्वर का काम करने का तरीका अद्भुत है, यूनिक है, अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को रास्ते में चलते चलते यीशु मिल जाता है, किसी को बीमारी के सैया पर यीशु मिल जाता है, कोई लड़ाई झगड़े करने जाता है, वे विचार करने जाता है, गलत काम करने जाता है, यीशु मिल जाता है। हालेलुया, यीशु मिल जाता है, यीशु मिलता है जरूर। इस स्त्री के लिए अलग तरीके से यीशु मिला। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग यीशु के पास आए लेकिन यीशु इस स्त्री के पास स्वयं पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, कैसे क्यों ना हो, परमेश्वर आपके पास आ जाता है, आपके अकेलेपन में आपके पास आ जाता है, आपकी हर समस्या में परमेश्वर आपके पास आता है। हालेलुया। अलग अलग तरीके से हमारी आत्मिक आंखें खोलता है। किसी का आत्मिक आंखें तुरंत खुल जाती है, किसी की आत्मिक आंखें टाइम लगता है। यीशु के पास आते हैं पर फिर भी आंखें नहीं खुलती हैं, जैसे पौलुस का 3 दिन बाद आंखें खुली, इस स्त्री का बात करते करते आंखें खुले। कई कई प्रभु में लोग आते रहते हैं, सालों बाद आंखें खुलती हैं, कई कई एक ही दिन में खुल जाती है, कोई कोई 2 दिन में, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह में जान लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्ति जाता है, जान देते हैं। और बहुत लोगों को तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, नहीं समझ पाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। नंबर 6, परमेश्वर केवल आपको ब्लेसिंग नहीं देता है पर परमेश्वर आपको ब्लेसिंग का स्रोता बना देता है, सोर्स आप ब्लेसिंग बना देता है।
चैनल आप ब्लेसिंग बना देता है। कई बार हम प्रभु से ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं, प्रभु मुझे ब्लेस कर दे, प्रभु मुझे आशीषित कर दे, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मेरे लिए वो कर दे। हम शायद ये सोचकर आते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु तो उसकी योजना हमसे बड़ी है। हालेलुया। उसकी योजना हमारे लिए उससे भी क्या है, बड़ी है। कैसी योजना है? बाइबल में लिखा है जिसे आंखों ने नहीं देखा, जो बातें कानों ने नहीं सुनी है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों है शायद, या दो का नौ, कुरिन्थियों दो का नौ। जो बातें आंखों ने नहीं देखी है, जो बातें कानों ने नहीं सुनी है, और जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी है, परमेश्वर आपके लिए रखा है। आपने देखा हो या सुना हो या ना सुना हो, पर परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए योजना बनाकर रखी है और उसको पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 14 पद पढ़ेंगे, योना रचि सुसमाचार उसका 4 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। जी हाँ, हाँ 28 पद भी पढ़ देंगे। हाँ चाहे इसको पूरा करके फिर 28 पढ़ेंगे। हाँ आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कहता है कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा वो तो प्यासा नहीं रहेगा, वो तृप्त होगा। बस तृप्त होना काफी नहीं है, कहता है उसके अंदर से भी जीवन जल की नदियां क्या होंगे, एक सोता बनकर उमड़ेंगी, बहने लगेंगे, और बहुत सारे लोग उस सोते से आशीष पाएंगे। और वो एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए नहीं, वो अनंत काल के लिए बहती रहेंगी उसके जीवन से। हालेलुया। हम केवल आशीष पाने के लिए नहीं आए हैं, हम आशीष का कारण बनने के लिए आए हैं। दूसरे लोग मेरे जीवन के द्वारा, दूसरे लोग आपके जीवन के द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं। मेरे जीवन के लिए मैंने उद्धार पाया है, और मेरे जीवन के लिए के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाने जा रहे हैं। बोले सो मसीह के, बोले सो मसीह की। 28 पद पढ़ेंगे। हाँ स्त्री ने केवल उद्धार का मार्ग नहीं पा लिया, पर स्त्री ने पूरे गांव को उद्धार का मार्ग बता दिया। हालेलुया। केवल उद्धार पाया नहीं, स्त्री ने पूरे गांव को बचा लिया, क्योंकि आप उद्धार केवल पाओगे नहीं, अब लाखों लाखों लोगों को उद्धार के मार्ग में लाने के लिए, उद्धार पहुंचाने के लिए आप एक माध्यम बन जाओगे, क्योंकि वो जीवन जल का सोता आपके अंदर से बह निकलेगा। हालेलुया। आप केवल आशीष पाने के लिए नहीं, पर आप आशीषित होने के लिए, दूसरे को आशीष का कारण बनने के लिए आप चुने गए हो। 7वां नंबर, परमेश्वर से हमारी कुछ भी बातें छिपी नहीं है। मैंने उसको भजन 139 1-3 में पढ़ा कि हे परमेश्वर, मेरी कोई भी बातें तुझसे छिपी नहीं, मेरे मुख से की सारी बातें तू जानता है, मेरा उठना जानता है, मेरा बैठना जानता है, मेरा चलना जानता है, मेरा लेटना जानता है, यहां तक कि मेरे विचार जो अंदर से निकलते हैं, अंदर उठते हैं विचार, उसको तो दूर से समझ लेता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। हालेलुया। 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 आप ये नहीं सोचना कि जब बोलोगे तभी वो जानता है, आपके अंदर अगर उठने लगे विचार ना, उसको भी वो जानता है, उसको वो जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
17 से 19 पद को पढ़ेंगे, 4 अध्याय के 17 से 19 पद। स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, मैं बिना पति की हूँ। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। कई बार हमारे पास आते हैं तो लोग शर्माते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, अपनी समस्या नहीं बताना चाहते, बस ऐसी प्रार्थना कर दो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम हो जाता है और बड़ा काम हो जाता है, कहते ना, मतलब माफ कीजिएगा, लेकिन कहते हैं ना, बताने लायक बीमारी नहीं है, मैं क्या बताऊं, ऐसा बोल देते हैं ना हम लोग। तब सामने वाले को कैसा पता चलेगा कि आपको ट्यूमर था, कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कैंसर था, कैसे पता चलेगा कि आपको लुकोरिया था, कैसे पता चलेगा कि आपको धात का रोग था, कैसे पता चलेगा कि अंदर किडनी में प्रॉब्लम था, अगर आप ये बोलकर कह दोगे कि नहीं मेरा कुछ ऐसी बीमारी थी नहीं बता सकती हूँ, तो सामने वाला कैसे जानेगा कि आप किस बीमारी से आजाद हुए हो। मेरे पास में कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा तू सही बोल रही है स्त्री, तेरा अपना कोई पति नहीं है, 5 पति तो तू और कर चुकी है, अब जिसके साथ तू रहती है ना, तेरा वो अपना भी पति नहीं है। ये सही बात है कि तेरा कोई अपना पति नहीं है, पर जिसके पास रहती है वो 6वां नंबर का है। हालेलुया। अब स्त्री दौड़े दौड़े शहर में, जी हाँ पढ़िए, पढ़ दीजिए। यीशु ने कहा, से कहा, प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता नहीं है। 18 होनी सभी, अब 17 से पढ़ रहे थे हम, जी हाँ। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, हाँ, बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और इसके पास तू अब है, मैं भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा। हालेलुया। कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि कोई नहीं जानता मेरे मन की बात, पर प्रभु सब जानता है, आपके गुप्त बातों को भी, आपके अंदर के दर्द को भी, आपके अंदर की पीड़ा को भी, आपके अंदर की शंकाओं को भी प्रभु यीशु मसीह जानता है। लेकिन जब स्त्री के साथ ऐसा काम हुआ तो स्त्री कभी शर्माई नहीं, ओ स्त्री घबराई नहीं, जाकर गांव वालों को बोली कि उसने बता दिया कि तेरे 5 पति ऑलरेडी हो चुके हैं और जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है, सबको जाकर बताया, और गांव वाले निकल कर बाहर आ गए क्योंकि उसने अपनी समस्या को साफ साफ बताया। आप अपनी समस्या को जो प्रभु ने काम कर दिया है साफ साफ बताएं। कभी यहाँ स्टेज पे जाकर ये ना बोले कि मैं बताने लायक बीमारी नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बताने लायक ना हो, अगर उसे यीशु चंगा ना करे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप डॉक्टर को के पास जाते हैं आपको बताना पड़ता है, चाहे वो लेडीज डॉक्टर हो चाहे वो जेंट्स डॉक्टर हो, डॉक्टरों का डॉक्टर जब आपके लिए काम कर दिया है आपको बताना पड़ेगा कि बीमारी क्या थी। बोले यीशु मसीह के पापी निश्री कहने लगी है, देखो उसने सब कुछ बता दिया है। हालेलुया। परमेश्वर से हमारी कोई बात छिपी। इसाया की पुस्तक अब जब आप पढ़ेंगे 55 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का फर्क है। जो मनुष्य सोचता है उसके विचार और परमेश्वर के विचार में, ये धरती और आसमान में जो अंतर है ना, उतना अंतर पाया जाता है। इसलिए मनुष्य कभी परमेश्वर के विचार को समझ नहीं पाता है, लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग वचन पढ़ते हैं, जो इस पर मनन करते हैं, उसको विचार को समझने लगते हैं। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। 8वां नंबर, कई बार हम अपने लीडर को समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम अपने लीडर को समझ नहीं पाते, अपने पास्टर को समझ नहीं पाते हैं, अपने अगुवे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा विचार अलग है। हालेलुया। हर कोई व्यक्ति आता है, हर अलग अलग समाज से, अलग अलग जाति से आता है, अलग अलग मतलब वातावरण से आता है, अलग अलग राज्य से आता है, उसका अपना अपना तरीका होता है, वो अपने तरीके के चलते कई बार अपने पासवान को समझ नहीं पाता है, कई बार पास्टर को नहीं समझ पाता है। चेले लोग जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये तो स्त्री से बात कर रहा है
और कोई इससे कोई पूछ नहीं रहा है कि भाई तू क्या चाहता है, क्यों बात कर रहा है इस स्त्री से, है ना। मान लो एक बुरा आदमी, मतलब एक आपने दिल्ली में कोई ऐसा गुंडा आदमी हो जो उसको सब जानते हो, और कोई व्यक्ति जाकर उससे बात करने लगे तो लोग जरूर जानना चाहेंगे, भाई किसकी सुपारी दे रहा था तू, किसके बारे में बात कर रहा था, है कि नहीं। जब इस पापी और व्यभिचारी स्त्री से बात कर रहा था यीशु, तो चेले कह रहे हैं इस स्त्री से बात कर रहे, अरे इसका तो सामरिया में भी जानते हैं और ना इसराइल में भी जानते हैं कि ये पापी मिस्त्री है। हालेलुया। और कोई नहीं बोल रहा है कि उस स्त्री से बात कर रहे हो। चेले कह रहे हैं यीशु मसीह खाना खा लो, यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा भोजन ये नहीं है जो तुम लेकर आए हो, मेरा भोजन परमेश्वर जो काम दिया उसको करना, मेरा भोजन। हालेलुया। कई बार अपने लीडर को उसके अनुयायी, उसके चेले, उसके लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि लीडर अपने परमेश्वर की इच्छा को लेकर चलता है, अपने परमेश्वर के मिशन को लेकर चलता है, और लोग अपने अपने मिशन में लेकर चलते हैं, इसलिए उनके अपने अपने विचार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए चेलों के साथ बड़ा कंफ्यूजन था, चेले कई बार समझ नहीं पाते थे, अरे ये व्यक्ति कैसा है जिसने आधी जुबान को डांट दिया और आधी जुबान साथ हो गए। ओ भाई, दो तीन साल से साथ में हो, कितने काम हो गए, इतना तो समझ लेना चाहिए, पर फिर भी समझ नहीं पा रहे अपने लीडर को। हालेलुया। आज जैसे संसार में है, लोग अपने अगुवे को समझने में बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल को समझते हैं तो अपने अगुए को अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि यही सब कुछ सही सही बताता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आखिरी बात बताकर समाप्त करूंगा, एक्चुअली 27 पद पढ़ देंगे इसी का, 27 पद। हाँ, अचंभा करना। एक्चुअली कहते हैं ना, टेलर के आंखों में जिधर भी जाएगा ना तो कपड़े देखेगा और सिलाई देखेगा। सही बोल रहा हूँ शिवरतन भाई, सही बोल रहा हूँ। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी मोदी जैकेट पहन के आएगा, भाई की कंपनी है तो आप देखेंगे किसकी सिलाई क्या है। अच्छा, जो हम काम करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंस है, हम भी कुछ करेंगे ऐसा। नहीं जाएगा, बैठेगा, देखेगा, वाह अच्छा इसका हेयर स्टाइल थोड़ा अलग है, इस बार मैं अपने सैलून में यही स्टाइल लागू करूंगा। हालेलुया। चोर कहीं जाएगा, वो अपना स्टाइल ढूंढते रहेगा, चोरी करने का कोई नया तरीका सीख सकता हूं क्या, है कि नहीं। सबकी आंखें एक ही जैसी है पर नजरिया अलग अलग है मेरे भाई। चेले लोगों की नजरिया अलग आ रही है, पता नहीं इस तरह से क्या बात कर रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा है। व्यभिचारी आदमी देखेगा कि अरे कहीं गलत काम करने के लिए तो नहीं बात कर रहा है आदमी। यही तो आज भी समस्या है। एक धर्मी व्यक्ति अगर सही तरीके से बात करे, पापी व्यक्ति उसको देखकर सोचता है जरूर आदमी गलत है, जरूर ये आदमी गलत है। आदमी गलत नहीं है, तेरा भेजा खराब है भाई, क्योंकि तेरे अंदर वो गलत बात भरी है, इसलिए सामने वाले को तू देखकर ऐसे बता रहा है। तो जो जैसा व्यक्ति रहता है उसका नजर वैसा ही रहता है, वो उसी तरीके से दूसरे को समझने की कोशिश करता है, और जो धर्मी है ना दूसरे को भी धार्मिकता उसके अंदर दिखाई देती है कि ये आदमी ऐसा करे तो बदल सकता। यीशु ने देखा, वाह ये स्त्री पापी स्त्री है, पूरा शहर इसको जानता है, अगर ये बदल गई ना पूरा शहर बदल जाएगा, क्योंकि ये जानती है लोगों को कैसे खींचना है। हालेलुया। ये स्त्री जानती है कि दूसरे को अपने तरफ कैसे बुलाना है, ये स्त्री जानती है दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करना है, ये स्त्री जानती है कि कैसे लोगों को मोह लेना है, ये स्त्री जानती है कि कैसे। हालेलुया। स्त्री बदल गई, पूरा शहर बदल गया। हालेलुया।
कई बार हम सोचते हैं हम तो बहुत धर्मी है, ये तो बड़ा पापी दुष्ट आदमी है, चर्च में कैसे आ गया, इसको तो मरना चाहिए, इतना दुष्ट है। मैं आपको बताऊं, उसको बहुत लोग जानते हैं, अगर वो बच गया ना तो जिन जो जानते हैं वो भी बच जाएंगे। आपको कम लोग जानते हैं, उसको ज्यादा जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पापियों को वो ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, क्योंकि पापी ही लोग ज्यादा घुसे पड़े हैं सबके बीच में। धर्मी तो अपने घर में सोचता है यार सब ठीक ठाक है, अच्छे बैठे रहो। समझ में आ रहा है हमें? समझ में आ रहा है? परमेश्वर, परमेश्वर कैसे लोगों को चुन ले रहा है, कैसे लोगों को ढूंढ ले रहा है जो नाश हो रहे हैं, जो पाप में है, जो गंदगी में है, प्रभु निकाल कर उनको ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। आखिरी बात, परमेश्वर को खुश करने का तरीका क्या है? परमेश्वर को खुश करने का तरीका क्या है? परमेश्वर को खुश करने का तरीका आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। 23 और 24 पद पढ़ेंगे, 23 और 24 पद पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। चुनौती दे रहा हूं और आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आकर देखते हैं कैसी साड़ी पहनी, अच्छा इसका कैसा दिख रहा है, अच्छा मेकअप इसने कुछ ज्यादा नहीं कर लिया, अच्छा लिपस्टिक भी लगा के आ गई है, अच्छा इसका ये किधर देख रही है, अच्छा वो किधर देख रही है। आराधना का कोई मतलब नहीं है उनके लाइफ में, बस देखने आते हैं। अगर आप आराधना करने आ गए प्रभु यीशु मसीह की सच्चे दिल से ना, आप परमेश्वर को खुश कर दोगे, गारंटी के साथ खुश करोगे। आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी आपकी तकलीफ, आपका कमजोरी, आपका कर्जा निश्चय 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 मिटेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को खुश कर दिया है। हालेलुया। आप मनुष्य को खुश करने नहीं आते हैं, आप किसी व्यक्ति किसी स्त्री किसी पुरुष को खुश करने नहीं आए हैं, आप परमपिता परमेश्वर यीशु को खुश करने आए हैं। आप खुश कर देंगे, वो खुश हो जाएगा, जीवन आपका बदल जाएगा। हालेलुया। लोग नाराज हो जाए तो हो रहा जाए, लेकिन प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लोगों की तो लाइन लग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की एक लाइन लग जाएगी आपके लिए, एक नाराज होगा 10 आपके पीछे चलने वाले हो जाए, पर वह शर्त केवल ये है कि यीशु खुश होना चाहिए। आमीन। हालेलुया।